हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर कल के लिए यानी 2 मार्च के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,653 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,467। फ्राइडे का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रही है 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। आज कुछ इस तरह से साइडवेज मोमेंटम में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही ओपन हुआ निफ्टी इंडेक्स सेकेंड टारगेट के पास ऑलमोस्ट यहाँ पर ओपन हुआ और जैसे ही फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आया तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करके इसने बाउंस बैक किया। तभी फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव हुए। जैसे दोबारा फिर से एक बार ये डेज लो की तरफ आया तो इसने पिवट पॉइंट के पास सपोर्ट टेस्ट करके जब बाउंस बैक हुआ तब फिर से एक बार इसने फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव किए। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 23 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 17,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था अभी फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करें, ये लो और ये हाई को पकड़ के, तो इसका 50% का रिट्रेसमेंट लेवल इसने अचीव कर लिया। तो यहाँ से हमने आज एक बाउंस बैक देखा और बाउंस बैक बनते वक्त यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना जिसका बॉडी प्रीवियस कैंडल के बॉडी ने पूरा कवर कर लिया। तो यहाँ पर बुलिश हरामी जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है। ये सिर्फ सिग्नल है ट्रेंड रिवर्सल का, लेकिन कंफर्मेशन के लिए ये जो कैंडल बना है रेड कैंडल, इसका हाई कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा। सिग्नल के बाद कंफर्मेशन मिलना ज़रूरी है, तब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है ऐसा हम कह सकते हैं। फर्स्ट हर्डल तो 20 EMA का होगा ये पिंक लाइन, उसके बाद ये बेयरिश कैंडल का हाई है एक हर्डल का काम कर सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये डेली चार्ट का सीनरी है। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे कल के लिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर RSI और प्राइस एक्शन को देखें हम यहाँ पर, तो प्राइस एक्शन अभी लोअर बॉटम्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन RSI को देखें तो इसने हायर बॉटम्स क्रिएट किए। तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। यहाँ से मार्केट हो सकता है प्राइस एक्शन में हमें एक बाउंस बैक जबरदस्त देखने को मिले। हालांकि आर्ली चार्ट में अगर ट्रेंड देखना है तो ऑल मूविंग एवरेजेस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में और उसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। जब तक ये प्राइस ऊपर नहीं चला जाता तीनों एवरेजेस के ऊपर, तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से तीनों भी मूविंग एवरेजेस हर्डल का काम कर सकते हैं। हालांकि सिग्नल मिल रहा है हमें, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। RSI हायर बॉटम्स बना रहा है और प्राइस एक्शन में हमें लोअर बॉटम्स देखने को मिल रहा है, तो कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा। तो ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन था। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो आज का इसने हाई बनाया है अराउंड 14,806 के पास, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, 810 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग हाई बनाया था इसने, पास में रेजिस्टेंस फेस किया था, हो सकता है फिर से एक बार हर्डल फेस करे इस लेवल के पास, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,835, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,857, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो लेवल है आप देख पा रहे हैं एक स्विंग लो बनाया है, और आज भी इसी लेवल के आसपास इसने लोएस्ट क्लोज बना है
निफ्टी इंडेक्स ने आर्ली चार्ट में, तो 14,676 को अगर कंफर्टेबली ब्रेक कर दे टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,652, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,632, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर 5 मिनट का चार्ट देखें तो आज भी यहाँ पर जो लेवल्स हमने मार्क किए थे काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थे। सेकंड टारगेट के पास इसने 2-3 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। जब भी ये टूवर्ड साउथ की तरफ आया मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट लेके जब बाउंस बैक हुआ तो फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव किए। रेजिस्टेंस भी एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स के पास इसने फेस किया है, तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल यहाँ पर साबित हुए। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो अभी कल अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो काफ़ी सारे हर्डल्स के पॉइंट है, 20 EMA है, फिर 100 EMA है, फिर 50 EMA, तो इन लेवल्स को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। आप देख सकते हैं कल के हाई के आसपास ही ये दो मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं, और यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में चार, बैंक निफ्टी इंडेक्स ने 4 दिन पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था, तो 35,582 को अगर कंफर्टेबली ब्रेक कर जाए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,675, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,769। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का लोएस्ट क्लोज जो है आर्ली चार्ट में अराउंड 35,123 के आसपास है, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 35,056, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 34,975, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।